बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको तमाम दरियाओं की लेटेस्ट जो अपडेट होती हैं फ्लड के हवाले से और मौसम के हवाले से, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज है जी 26 जुलाई 2022, और अब आज की जो अपडेट है वो हमारे पास आ चुकी है, हम आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं आपको दरियाओं की सूरत हाल। दरियाओं का रात वाली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि दरियाए चनाब में पानी बढ़ने लगा है और मराला के मकाम पर पानी की सतह में कुछ इजाफा हुआ था, 1,38,000 क्यूसेक तक लेवल था उसका, और कहड कादराबाद पर भी था पानी, क्योंकि इंडिया ने कुछ पानी रिलीज़ किया है तो इसी वजह से पानी थोड़ा सा बढ़ा है। बेला डैम पर और तौंसा बैराज पर, काले बाग पर, जो जितने भी बैराज हैं उन पर पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। अगर कोट मिट्ठन ज़िला राजनपुर में बात की जाए तो कोट मिट्ठन के मकाम पर भी पानी की सतह में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके रीज़न क्योंकि पीछे तौंसा बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। अभी है तो निचले दर्जे का सैलाब, लेकिन रोत कोही का पानी जो है वो शामिल हुआ है कोट मिट्ठन के मकाम पर। तो चलिए फिर आगे आपको अपडेट देते हैं वेदर की। दोस्तों वेदर अपडेट इस तरह है कि 28 जुलाई तक बारिशों का ये स्पेल जो है ये जाएगा, उसके बाद ये 2 दिन छोड़ के फिर नया स्पेल जो है वो 7 अगस्त तक बताया जा रहा है, लेकिन अभी चांस नहीं है बारिशों के जाने का, तो ये मानसून जो है वो अपने अरूज पर है। अगर बात की जाए कराची सिंध की, तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई है यानी कि सैलाब की सूरत हाल है वहाँ पर। तो बताते हैं आपको तमाम दरियाओं का इखराज और आमद पानी की। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले जी दरियाए सिंध की बात करेंगे, नौशहरा के मकाम पर 95,421, खैराबाद पर 1,81,400 क्यूसेक, दरियाए काबुल पर 86, तरबेला डैम जी इस वक्त 1512 फीट तक भर चुका है, 2,42,000 क्यूसेक इनफ्लो, 1,61,200 क्यूसेक आउटफ्लो, कालाबाग पर 1,78,003 क्यूसेक इनफ्लो, 1,74,203 क्यूसेक आउटफ्लो, चश्मा के मकाम पर 2,14,637 क्यूसेक इनफ्लो, 2,61,037 क्यूसेक आउटफ्लो, तौंसा बैराज पर 2,71,742 क्यूसेक इनफ्लो, 2,66,445 क्यूसेक आउटफ्लो, गुड्डू बैराज पर 2,25,866 क्यूसेक इनफ्लो, 2,10,843 क्यूसेक आउटफ्लो, सखर बैराज पर 1,79,468 क्यूसेक इनफ्लो, 1,58,698 क्यूसेक आउटफ्लो, कोटरी बैराज पर 97,055 क्यूसेक इनफ्लो, 93,305 क्यूसेक आउटफ्लो। तो अब जी बात करेंगे दरियाए चनाब की मंगला डैम पर। मंगला डैम जो है इस वक्त 1,139 फीट तक भर चुका है, 35,096 क्यूसेक इनफ्लो, 10,000 क्यूसेक आउटफ्लो, मराला के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह बुलंद हो रही है, 1,44,180 क्यूसेक इनफ्लो, 95,268 क्यूसेक इनफ्लो, खानकी के मकाम पर 1,60,874 क्यूसेक इनफ्लो, 1,54,890 क्यूसेक आउटफ्लो, हेड कादराबाद पर 1,36,966 क्यूसेक इनफ्लो, 1,17,966 क्यूसेक आउटफ्लो, ब्लॉकी के मकाम पर 43,295 क्यूसेक इनफ्लो, 25,195 क्यूसेक आउटफ्लो, हेड पांजनान पर 31,533 क्यूसेक इनफ्लो और 27,733 क्यूसेक आउटफ्लो। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ही होगी। तो मिलते हैं कल एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।